Hello kids, this is your math activity class. In today's class, we are going to do an activity on greater than concept. Are you ready kids? Kids, we will understand this concept through a story. Are you ready kids? Once upon a time, there was a pond. There live a alligator. एक पॉन्ड में एक एलिगेटर रहता था. He feel very hungry. उसे बहुत भूख लगी थी. He open his mouth to eat. उसने अपने माउथ को ओपन किया खाने के लिए. He saw that some fishes are swimming in the pond. उसने देखा पॉन्ड में कुछ फिशेस स्विमिंग कर रही थी. He saw that fishes are swimming. He count the fishes. How many fishes are there? 1, 2, 3, 4. 4 fishes on right hand side. And another side, only 1 fish. तो एलिगेटर तो बहुत हंग्री था ना, तो उसने जिस साइड पर ज्यादा फिशेस थी उनको खा लिया. आफ्टर सम टाइम ही सो सम फ्रॉग्स. उसने कुछ फ्रॉग्स को देखा और उसे बहुत भूख लगी थी. बट उसने देखा इट साइड पर कम फ्रॉग्स थे. उसने काउंट किया ओनली 2 फ्रॉग. 1, 2. देन उसने देखा उसके लेफ्ट हैंड साइड पर बहुत सारे फ्रॉग्स थे. ही काउंट देम. उसने उनको काउंट किया 1, 2, 3, 4. 4 फ्रॉग्स आर दिस साइड. सो उसने 4 फ्रॉग्स को खा लिया. ही सो द आइसक्रीम एंड काउंट देम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ice creams are there. And another side, he saw also some ice creams. I would like to count them. उसने उनको count किया. 1, 2, 3, 4. 4 ice creams only. बट वो चाहता था ज्यादा आइसक्रीम्स खाना. सो उसने जिस साइड पर ज्यादा आइसक्रीम्स थी उनको खाया. किड्स ऑलवेज रिमेम्बर दैट जो एलिगेटर है उसका माउथ हमेशा जो ग्रेटर देन होते हैं, जो ज़्यादा थिंग्स होती हैं उस साइड ओपन होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा बड़ी चीज़ें खाना ही अच्छा लगता है. अब हम ये कंसेप्ट नंबर्स के थ्रू करेंगे. केस हियर इज अ नंबर. इट इज 1. ये 1 है. इट्स ग्रेटर और स्मॉलर. क्या आप बता सकते हैं ग्रेटर है या स्मॉलर है? नो, जस्ट बिकॉज इसकी कंपेयर में अभी कोई दूसरा नंबर नहीं है. नाउ आई एम पुटिंग नंबर 3. अब मैंने इसकी साइड में नंबर 3 को रखा है. नाउ यू विल कंपेयर. अब आप कंपेयर कर सकते हैं. टेल मी विच इज स्मॉलर और विच इज ग्रेटर. येस किड्स, नंबर 3 इज ग्रेटर. जस्ट बिकॉज नंबर 3 काउंटिंग में 1 के आफ्टर आता है. एंड केस जो एलिगेटर है वो किसे खाएगा, नंबर 1 और नंबर 3? यस, नंबर 3. जस्ट बिकॉज नंबर 3 इज ग्रेटर. और एलिगेटर हमेशा ग्रेटर नंबर्स को ईट करता है. लुक केस, देयर आर 2 नंबर्स, नंबर 6 एंड नंबर 8. यू कैन कंपेयर. आप कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं विच नंबर इज ग्रेटर, नंबर 6 और 8. यस, नंबर 8 इज ग्रेटर. और एलिगेटर का माउथ किस साइड ओपन होता है किड्स? यस, जिधर ग्रेटर देन होता है उधर ही एलिगेटर का माउथ ओपन होता है. स्मॉलर की साइड एलिगेटर का माउथ क्लोज होता है.
जो ग्रेटर देन है उस साइड पर एलिगेटर का माउथ ओपन होता है. सो किड्स ऑलवेज रिमेम्बर दैट एलिगेटर माँ का माउथ जो ग्रेटर नंबर होते हैं उस साइड ओपन होता है. जैसे हमने 6 और 8 की कंपेयर की, वहाँ पे 8 नंबर ग्रेटर देन है तो एलिगेटर का माउथ 8 की साइड ओपन है. और जब हम 1 और 3 के बीच में कंपेयर कर रहे हैं देन यहाँ पर कौन सा नंबर ग्रेटर है, नंबर 3, तो एलिगेटर का माउथ नंबर 3 की साइड ओपन है. ऑलवेज रिमेम्बर दैट. बाय फॉर नाउ, वी विल मीट इन नेक्स्ट एक्टिविटी.